सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़े नाल मनीषा थोड़ा साडे चैनल ते बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। हाँ जी दोस्तों, जिवें कि थोनू पता है असी थोड़े चाहे वह मुलाजमान संबंधित होवे जा कोई भी स्कीम होवे थोड़े तक सब तो पहला पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साड़ी अज की अपडेट है DA दे बकाए उड़ीक कर रहे सरकारी कर्मचारियों की उड़ीक हुण जल्द ही खत्म हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, पूरी अपडेट देखने लिए वीडियो नू एंड तक देखना जी। उस तो पहला तुसी साडे चैनल ते नवे हो तां कृपा करके चैनल सबसक्राइब कर लियो जी, ता जो कि थानू हर अपडेट समय सिर मिल सके। हाँ जी, शुरू करते हैं अज दी वड्डी अपडेट। DA दे बकाए दी उड़ीक कर रहे सरकारी कर्मचारियों दी उड़ीक हुण जल्द ही खत्म हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक सरकारी कर्मचारियों नू 1.50 रुपए की एक मुश्त पत्ता देने की योजना बना रही है। जेकर अजिहा हुंदा है तां सरकारी कर्मचारियों दी तनखावां विच काफ़ी सारा इकट्ठा पैसा आएगा। हाँ जी दोस्तों, जिक्रयोग है कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय तो 18 महीने के DA के बकाए की उड़ीक कर रहे हैं। कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 तो जून 2021 तक रोकया गया DA देने की मांग कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमान को उम्मीद है कि सरकार DA के बकाए देने बारे विचार करेगी तो जल्द ही कोई हल कढ़ेगी। जेकर सरकार भत्ता देने की योजना अमल चो लियाउंदी है तो लैवल 1 दे कर्मचारियों का DA का बकाया 11,880 रुपए तो 37,000 रुपए तक होगा। इस दे नाल ही लैवल 13 के कर्मचारियों DA के बकाए वजो 1,44,200 तो 2,18,200 रुपए मिलेंगे। हाँ दोस्तों, ये साड़ी जो अज की अपडेट सी जो सरकारी कर्मचारी DA के बकाए की उड़ीक कर रहे हैं उन्हां बारे सी। जेकर थोनू अपडेट चंगी लगी होवे तां चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो ते शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।